हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज बेड सोर। बेड सोर इज आल्सो नोन एज द प्रेशर सोर एंड इट इज आल्सो नोन एज द डेक्यूबिटस अल्सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेड सोर के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बेड सोर होता है, इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जो स्किन होती है या जो टिश्यू होते हैं, इनके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाना ड्यू टू नेक्रोसिस। कोई भी एनी काइंड ऑफ नेक्रोसिस होने के कारण यदि स्किन के अंदर यदि अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेड सोर। तो जो बेड सोर होता है, मेनली हमें देखने को मिलता है जो प्रॉब्लम बेड रिडन पेशेंट होते हैं। यदि कोई पर्सन है लंबे टाइम तक किसी एक ही एरिया में बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेड सोर डेवलप होने के। हम पहले बात करते हैं कि जो बेड सोर हैं, इनके मेन कोज क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कोजेज फॉर द बेड सोर। तो फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकंड वन इज द मॉइस्चर, थर्ड वन इज द फ्रिक्शन एंड लास्ट वन इज द सीयर। दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ द बेड सोर। प्रेशर, मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड सीयर, ये मेनली बेड सोर के कोज होते हैं, जिनके कारण बेड सोर होता है। जो प्रेशर है, इसके कारण सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेड सोर डेवलप होने के। जो मॉइस्चर है, फ्रिक्शन है और सीयर है, इनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करते हैं। प्रेशर का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी में बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे जो स्किन है और जो बोन है, इनके अंदर जो टिश्यू है, जो मांस है, यदि वो कम है और जो हमारे कांटेक्ट में जब हम रिडन बेड रिडन पेशेंट होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इन्हें बोलते हैं बोनी प्रोमिनेंस एरिया। इन एरिया के ऊपर जब ज़्यादा टाइम तक प्रेशर पड़ेगा तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी। और हमें सब पता है कि यदि किसी एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो सेल होती है उसका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है वो भी अफेक्ट होता है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिक्रीज हो जाएगा। यदि सेल का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो इसीमिया की कंडीशन अराइज होगी, और जब इसीमिया की कंडीशन अराइज होती है, मतलब लैक ऑफ ऑटो टू ए बॉडी पार्ट और ब्लड के अंदर जब हो जाएगा, तब कंडीशन अराइज होगी बेड सोर की। मॉइस्चर का मतलब है कि यदि कोई पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है, यदि कैथेटर पर पेशेंट है, वहाँ से यदि ड्रिबलिंग यूरिन हो रहा है, या फिर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट के अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, या फिर पेशेंट है उसके अंदर कोई जो बेड पान वगैरह है उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाया, इन सभी कारण से यदि मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर जो होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। यदि उस एरिया पे जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया है वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। मैंने इसको आपके रीज़न भी बताया कि किन किन रीज़न के कारण ये बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वो भी लीड करेगी बेड सोर के डेवलपमेंट को। अब थर्ड वन इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो मेन कॉज होता है, जो हम बेड मेकिंग कर रहे हैं यदि वो प्रॉपर नहीं है, जो मैट्रेस है यदि वो प्रॉपर नहीं है, फ्यूम्ड नहीं है, और यदि जो हमारी बेड सीट है, अपर सीट है, टॉप सीट है, यदि उसके अंदर रिंकल्स वगैरह पड़ रखे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फोर्थ वन इज द सीयर। सीयर का मतलब होता है कि जब ऑपोजिट प्रेशर पड़ता है, दो सरफेस हैं यदि उनके अंदर ऑपोजिट प्रेशर पड़ेगा तो सीयर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। लाइक कोई पेशेंट बेड पे बैठा हुआ है और हमने उस पेशेंट के जो साइड रेल से जो हेड एंड है यदि उसको हम स्लाइटली एलिवेट करेंगे तो पेशेंट के ऊपर सीयर पड़ेगा। और यदि पेशेंट की जो बेड सीट है यदि हम उसे ज़्यादा खींचेंगे तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर पड़ेगा, फ्रिक्शन होगा और ये लीड करेगा बेड सोर को। सो दिस ऑल आर द कॉजेज ऑफ द बेड सोर। अब बात करते हैं कि ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर भी है जो इन बेड सोर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेड सोर। फर्स्ट वन इज द बेड रिडन पेशेंट।
यदि कोई पेशेंट लंबे टाइम तक बेड पे है उसके अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यदि कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि कोई पेशेंट है जो कोमा के अंदर है तो जो कॉमेटिक पेशेंट होते हैं, कॉमेटिक पेशेंट इनके अंदर भी जो बेड शोर होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि कोई पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम द डायबिटीज मलाइटस तो उन पेशेंट के अंदर भी ये चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डायबिटिक जो पेशेंट है उनके अंदर भी जो बेड शोर होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी अदर फेवरेबल कंडीशन होती है जो बेड शोर को डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक जो भी कुछ कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जो बेड शोर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। लाइक यदि कोई पेशेंट है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन से सफ़र कर रहा है जिसके अंदर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रही है तो इन सभी के कारण और ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं और जो लीड करते हैं बेड शोर के डेवलपमेंट होने को। तो ये थे डेफिनेशन, एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द बेड शोर। अब बात करते हैं कि जो बेड शोर हमने बात की इसकी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेज होती है। तो जो मेनली डेक्यूबिटिक अल्सर है या बेड शोर है इसकी मेनली 4 स्टेज होती है जिनमें ये डेवलप होता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो हमारी स्किन और टिश्यू है इनकी जो अल्सरेशन हो जाता है इसे बोलते हैं हम बेड शोर। तो इसमें जो हमारी स्किन है इसकी जो लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है, डिफरेंट जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको ये इन्वॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू स्टेज और डिजीज प्रोग्रेस। इसे डिजीज नहीं बोलेंगे लेकिन एक तरह से ये डिजीज की तरह होती है और ये हमारी जो बॉडी है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर करती है। तो जो बेड शोर है इसमें स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर जो स्किन होती है वो एकदम इंटैक्ट रहती है, स्किन जो होती है बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, मतलब किसी भी टाइप का कोई वहाँ से कट नहीं होता, कोई अल्सर फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता, ओनली वहाँ पे हमें रेड स्किन देखने को मिलती है जैसी पहले थी उसे बोलते हम इंटैक्ट, और स्किन का कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेड कलर। और इस स्टेज फर्स्ट के अंदर जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस लेयर इज इन्वॉल्व। ओनली एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्व होती है। जो स्टेज फर्स्ट है इसमें स्किन इंटैक्ट रहेगी, रेड कलर हो जाएगा और जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो इन्वॉल्व होती है और जो पेशेंट है उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन ही होता है। स्टेज सेकंड के अंदर जो स्किन का कलर है वो रेड से जो हो जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं स्किन इंटैक्ट थी, यहाँ पे स्किन इंटैक्ट नहीं होती है तो स्किन इज नॉट इंटैक्ट, स्किन जो है वो इंटैक्ट नहीं रहती है। स्किन का कलर होता है तो वो हो जाता है ब्लूइश कलर, स्किन का कलर है वो हो जाता है ब्लू कलर। और इसमें जो डर्मिस लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, डर्मिस लेयर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। पेशेंट को सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो अल्सर बना है उसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा और इस ब्लिस्टर के अंदर जो वाटर है, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड के अंदर स्किन का कलर है वो हो जाएगा डार्क ब्राउन और स्किन यहाँ पे भी इंटैक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि यदि सेकंड स्टेज में स्किन इंटैक्ट नहीं है तो थर्ड स्टेज में होना इम्पॉसिबल है। तो जो स्टेज थर्ड है उसमें स्किन का कलर हो जाएगा डार्क ब्राउन कलर ऑफ द स्किन और यहाँ पे जो डर्मिस लेयर है उसके साथ में जो सब क्यूटेनियस टिश्यूज हैं वो लेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है, सब क्यूटेनियस लेयर इज ऑल्सो इन्वॉल्व।
सब क्यूटेनियस लेयर इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पेन नहीं होता है, पेन इज एब्सेंट। पेन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो नर्व टिश्यू है वो जो नर्व फाइबर्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, इसलिए सेंसेशन नहीं होता है। तो पेशेंट के अंदर पेन एब्सेंट होगा और जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू बना रहेगा। स्टेज फोर्थ की हम बात करते हैं। स्टेज फोर्थ के अंदर जो डार्क ब्राउन कलर है वो बदल जाएगा और ये ब्लैक कलर में हो जाता है, ब्लैक कलर इसे हम बोल सकते हैं। और जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर है इसके साथ में जो टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो टेंडन एंड लिगामेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व। और स्किन जो होती है वो ब्लेंचेबल हो जाती है, और जो स्टेज फर्स्ट थी इसमें स्किन नॉन ब्लेंचेबल होती है। और इसके स्टेज फोर्थ के अंदर स्किन का कलर डार्क कलर हो जाएगा, जो टेंडन है, लिगामेंट है, ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे विद द सबक्यूटेनियस लेयर। इसमें भी पेन एब्सेंट होगा क्योंकि इसमें भी नर्व फाइबर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, इसलिए जो पेशेंट उसे सेंसेशन नहीं होगा। तो ये थी स्टेजेज ऑफ द बेड सोर। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर स्किन इंटैक्ट रहती है, स्किन नॉन ब्लेंचेबल होती है और स्किन का कलर होता है वो रेडिश कलर होता है, पेशेंट को पेन फील होता है। सेकंड स्टेज में पेशेंट को सीवियर पेन होगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन भी हो सकता है, और जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रहती है, डर्मिस लेयर इन्वॉल्व हो जाती है और जो स्किन का कलर वो ब्लूइश हो जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर स्किन का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, स्किन इंटैक्ट नहीं रहेगी लेकिन पेन एब्सेंट हो जाएगा ड्यू टू डैमेज ऑफ द नर्व फाइबर्स, इसलिए पेशेंट को सेंसेशन नहीं मिलेगा। और जो फोर्थ स्टेज है उसमें स्किन का कलर ब्लैक कलर हो जाता है, पेन इसमें भी एब्सेंट रहेगा क्योंकि नर्व फाइबर इसमें डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी। और जो हमारी जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर थी उसके साथ साथ में जो टेंडन लिगामेंट्स और बोन होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेड सोर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर। जो बेड सोर है इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर। तो जो मैनेजमेंट होता है इसमें सबसे पहले आता है कि हमें पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेशेंट हैं जो रिस्क फैक्टर में है फॉर डेवलपिंग ऑफ द बेड सोर। ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनके अंदर बेड सोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व रखेंगे। और यदि हमें कोई ऐसी फाइंडिंग दिखती है जो हमें बता रही है कि पेशेंट के अंदर पेशेंट है मोर प्रोन फॉर द बेड सोर, तो उस पेशेंट को हमें प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है। और यदि हमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो हमें तुरंत जो सिस्टर इंचार्ज है या फिर डॉक्टर है उसे इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में जो डॉक्टर है या सर वार्ड इंचार्ज है वो उसे असेस करेंगे। उसके बाद में जो वुंड हुआ है उसके हम स्टेज डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी स्टेज का बेड सोर है। इसके बाद में जब हमें पता लग जाए कि स्टेजेज ऑफ द बेड सोर कौन सी है, उसके बाद में हमें वहाँ पे ड्रेसिंग करनी है। तो पहले हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को, ऑब्जर्व करना है रिस्क फैक्टर के लिए, ऑब्जर्वेशन फॉर रिस्क ग्रुप। फिर यदि हमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो हमें इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू द वार्ड इंचार्ज। थर्ड नंबर पर आता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में मेनली जो बेड सोर के लिए होती है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन इसमें जो हम ड्रेसिंग करते हैं इससे पहले हम जो वुंड है उसे हील क्लीन करेंगे। तो वुंड को क्लीन करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, यदि स्टेज फर्स्ट का है तो प्लेन वाटर, यदि वुंड स्टेज सेकंड और थर्ड का है तो हम उसमें लेंगे नॉर्मल सेलाइन, और यदि फोर्थ स्टेज है तो वहाँ पर लेते हैं हम हाइड्रोक्सन परोक्साइड। तो ड्रेसिंग में सबसे पहले आता है वुंड को क्लीन करना, क्लीनिंग ऑफ द वुंड। स्टेज फर्स्ट के अंदर हम क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेन वाटर, स्टेज सेकंड एंड थर्ड के अंदर हम यूज में लेते हैं नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन। स्टेज फोर्थ के अंदर हम यूज में लेते हैं H2O2,
और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आउटर टू इनर, आउटर टू इनर डायरेक्शन में करेंगे हम इसे वुंड को क्लीन। तो ये था क्लीनिंग ऑफ द वुंड। इसके बाद में हम करेंगे ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का जो पैटर्न होगा वो होगा मॉइस्ट पैटर्न। जो ड्रेसिंग होगी वो मॉइस्ट होनी चाहिए, पेशेंट को हमें ड्राई ड्रेसिंग नहीं करनी है। इसके बाद में यदि वुंड सेकंड या थर्ड या फोर्थ स्टेज में, तो हम इंसुलिन की कुछ ड्रॉप्स उसमें इंस्टिल कर सकते हैं, जिससे जो पेशेंट यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी अर्ली रिकवरी होगी, वुंड हीलिंग उसको हेल्प मिलेगी। इसके साथ में पेशेंट की पोजीशन एवरी 1 to 2 आवर या फिर हाफ एन आवर के अंदर चेंज करनी है, 30 मिनट से लेके 1 घंटे में या फिर 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन हमें उसे चेंज करना है, बार बार चेंज करना है। जो हमारी बेड मेकिंग है उसे चेक करना है कि वहाँ पर कोई रिंकल्स कोई फॉल्ट्स वगैरह तो नहीं है, और पेशेंट के लिए जो जितने भी हमें कोजे जो रिस्क फैक्टर पड़े उन्हें हमें हटाना है वहाँ से। इसके बाद में ड्रेसिंग हो गई, ड्रेसिंग के साथ में हम जो वॉर्म एप्लीकेशन है वो यूज़ में लेते हैं। तो वॉर्म एप्लीकेशन में मेनली यूज में लेते हैं 100 वॉट जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा 100 वॉट जो बल्ब होता है उसे हम पेशेंट से जो एरिया है वहाँ से 45 to 60 सेंटीमीटर दूर पे इसे करते हैं। ये था 100 वॉट का बल्ब यूज में लेते हैं, इसकी जो डिस्टेंस होती है 45 to 60 सेंटीमीटर, और ये हम दिन में 2 से 3 बार करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेड सोर, जिसमें हमने बात की डेफिनेशन, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेड सोर, और लास्ट में हमने बात की है मैनेजमेंट ऑफ द बेड सोर। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है बेड सोर ये कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।